महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। इस सप्ताह महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुर्गियां और पक्षी मृत पाए जा रहे हैं। पुणे से सटे मावल परिसर में बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिला है। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने से हजारों मुर्गियों की मौत होने के बाद इन मुर्गियों का परीक्षण किया गया। इन मुर्गियों के नमूनों को परीक्षण के लिए पुणे की एक प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्ट में अब ये स्पष्ट है कि मृत मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित थी। प्रशासन ने सालुम्ब्रे गांव में इस पोल्ट्री फार्म से लगभग 3,500 मुर्गियां एकत्र की हैं। एहतियात के तौर पर 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को 21 दिनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। पिछले 8 महीनों से कोरोना काल में पोल्ट्री फार्म का धंधा चौपट हो गया था, लेकिन अब बर्ड फ्लू ने करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत लेकर सामने आ चुका है। पोल्ट्री फार्म ऑपरेटरों ने आंसू बहाए हैं और अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मावल तहसील में साळुंब्रे गांव के अंदर एक बॉयलर फार्म जिसकी कैपेसिटी 3,500 है, उसमें अभी लास्ट नाइट में वहां बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन आ गया है। तुरंत प्रशासन ने आरआरटी स्थापित करते हुए यहां के सभी बर्ड को शास्त्रीय पद्धति से नष्ट किया है, उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है और यहां का सब सैनिटाइजेशन करके ये क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित किया गया है। इधर 3,000 पक्षी को बर्ड फ्लू की मतलब इन्फेक्टेड हो गया, वो उसको डिपोज किया है। सरकार को मेरी विनती है कि उसका नुकसान भरपाई मिल जाए मेरे को कुछ ना कुछ। तो पहला कोरोना का था, वो अभी बर्ड फ्लू का आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, पुणे।